मैं किसी की सिफारिश से मदद करदा, मैं हमेशा सच का साथ दिता, मैं कदे किसी लीडर दे पिछे लग के झूठ का साथ नहीं दिता। मैं अजे भी तेरे नाल नरमी वरत रहा, मैं हमेशा अपनी वर्दी नूं ते अपने फर्ज नूं प्यार कीता। बंदे दा पुत बन के मैनू दस दे तेरी घर वाली किथे है। तू मैनू भावें फांसी ते चढ़ा दे, मैं तेनू आखांगा कि मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता। अच्छा मैं सच बोलदा, मैनू नहीं पता। तू सच नहीं बोलदा वलैतिया, सच बोलदा डरे दा, सच मैनू बुलाउणा आउंदा। मैं सच बोलदा कर। आया कुछ चेते? हाँ, मैं तेनू दसदा, तेनू सारा कुछ दसदा। ऑर्डर ऑर्डर मिलोड, कटकड़े खड़ा है बंदा, चेहरे तो बड़ा मासूम लगता है पर दिमाग दा बड़ा शातिर है। इसने अपनी बीवी ते उसके बॉयफ्रेंड नू बेहोशी दी हालत विच नहर विच इसलिए छेड़ दिता ताकि उन्हां ते आत्म हत्या दा केस बने ते इस ते होरा भी इल्जाम ना आवे। इस केस नू साबित करने लई मैं कुछ गवाह पेश करना चाहता। हजूर इजाजत है। इकबाल जी हाजिर हो। हाँ तो मिस्टर इकबाल, जदों नहर दे कंढे तुहानू मिस्टर सिमर मिले उदों उन्हां दी की हालत सी? सिमर उदों बेहोश सी। जे उसनू हॉस्पिटल पहुंचाने विच थोड़ी जिन्नी देर होर हो जांदी तां उसदा बचना मुश्किल सी। जज साहब, सिमर दा बेहोशी दी हालत विच नहर दे कंढे तो मिलना इस गल नू बिल्कुल साबित नहीं करदा कि उस नहर विच मेरे मोहतल बिलू विलायती नहीं सकिया। ये गल साबित करने लई मैं इंस्पेक्टर रविंदर सिंह नू पेश करना चाहना। हजूर इजाजत है। इंस्पेक्टर रविंदर सिंह हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, तुहानू ये किवें पता लग गया कि सिमर ते जस्सी नू बिल्ले विलायतीये ने ही नहर विच सिटिया सी? दरअसल बिल्ले ने जदों सिमर दे खिलाफ जस्सी नू अगवा करन दा मेरे कोल केस दर्ज करवाया तां उस तों कुछ दिन बाद जदों सिमर बिल्ले दे खिलाफ मेरे कोल केस दर्ज करवाउण वास्ते आया तां मैं उसनू गिरफ्तार कर लिया। ते सिमर ने जदों बिल्ले नाल जो भी गलबात की मैनू फोन ते सुनाई तो उसने अपनी बेगुनाही का सबूत दिता। उत्थे यह भी साबित हो गया कि बिल्ला ही असल गुनहगार है। असी बिल्ले नू हिरासत विच ले लिया ते बिल्ले ने अपना इकबालिया बयान भी दे दिया। हाँ तो इंस्पैक्टर साहब, की तुसी इस अदालत नू यह दस्सण दी खेचल करोगे कि अज तक जिन्हें भी लोगों ने तुहाडे सामने अकबालिया बयान दिते ने उन्हां विचों अदालत विच जाके किन्नियां नूं सज़ा मिली? ऑब्जेक्शन भी लॉर्ड, इस गल दा इस केस नाल कोई ताल्लुक नहीं है। हजूर ताल्लुक है माय लॉर्ड, ताल्लुक है। पुलिस दे डंडे तो भूत भी नचदे, फिर एक आम इंसान दी विचारे दी की हैसियत हो सकती? ऑब्जेक्शन सस्टेन्स। योर ऑनर, अक्सर देखा गया है कि पुलिस तो बचण दे मारे, पुलिस दी कुटमार तो डरदे लोग पुलिस स्टेशन दे विच अपने इकबालिया बयान दर्ज करवा देते, पर अदालत विच जाके उन्हां विचों बहुत सारे मासूम ते बेगुनाह निकलदे ने। हाँ तो इंस्पैक्टर रविंदर सिंह, चलो मैं अपना सवाल तुहानू दूसरे तरीके नाल पुछदा। तुसी अदालत नूं इह दस्सो कि कतल दे केस दे विच अदालत में सब तो जरूरी चीजा की होंगी? सिर्फ दो चीजा, सबूत ते गवाह। हाँ, कतल दे केस विच सब तो जरूरी अहम चीज होंगी है लाश, जो कि इस केस विच अजे तक बरामद ही नहीं की गई। असि लाश बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तुसी एक बेगुनाह इंसान को फसाने की कोशिश कर रहे हो। मिलॉर्ड, इस तो बाद मैं इस केस दे सब तो अहम गवाह मिस्टर सिमर को पेश करना चाहता। सिमर सिंह आगे आओ। हाँ तो मिस्टर सिमर, हादसे वाली रात की होया सी? उस रात नो जस्सी ने मैनू विले दे घरे मिलने लिए बुलाया सी। ते मैं उत्थे गया, असी आपस अपने प्यार दियां गल्लां करदे सी ते विले ने सानू रंगे हत्थी फड़ लिया। फिर साडी दोनों दी आपस हथों पाई भी हुई। उस हथों पाई च मेरा सिर दरवाजे नाल लग गया ते मैं बेहोश हो गया। जज साहब, इसका मतलब तां यह होया कि मिस्टर सिमर अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। गुनाह? केड़ा गुनाह? किसी के घर बिना इजाजत के दाखिल होने का, ट्रेसपासिंग का, किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल देने का। दो प्यार करने वाले का मिलना कोई गुनाह नहीं, पर वो ब्याह तो पहला सी, ब्याह तो बाद वो बिल्ले विलैतिया की बीवी सी ते किसी की बीवी को चोरी छिपे मिलना जुर्म है जज साहब, अडल्टरी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये केस बिल्ले विलैतिया के खिलाफ है ते मुलजम के कटघड़े विच बिल्ला विलैतिया ही खड़ा है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त सिमर पे इल्जाम लगा के कोर्ट दा वक्त बर्बाद कर रहे ने। और जज साहब, जिवें कि मिस्टर सिमर पहले ही कबूल कर चुके ने कि वो जस्सी दे नाल प्यार करता सी, पर जस्सी दा ब्याह बिल्ले विलैतिया दे नाल हो गया। पर ब्याह तो बाद भी मिस्टर सिमर उसनू भुल नहीं सके और चोरी छिपे उसनू मिलने की कोशिश करते रहे। कतल वाले दिन ये उहदे घर गए, जो जस्सी ने इन्होंने मिलना कबूल ना किया, इनकार किया, तो यह तैश विच आ गए। तैश विच आके इन्होंने जस्सी का अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, उस तो बाद जस्सी को खत्म कर दिया। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता। जो कुछ कहना है कटहरे विच आके कहो। जज साहब, वकील साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस हराम खोर ने सब तो पहला तो मेरी लड़की नू अगवा किया, उस तो बाद उस दा कतल कर दिता। जज साहब, मेरी लड़की इस दे कोल संगीत सीखण जांदी हुंदी सी जज साहब, पर मैनू क्या पता सी कि ये उसकी जिंदगी विच जहर घोल रहा है। जज साहब, इस बुक्कड़ दे सपने उसकी जिंदगी उजाड़ के रख दी है। जज साहब, मेरी तुहाडे अगे गुजारिश है, केस बिल्ले नूं बाइज्जत बरी कर दिता जावे ते इस हरामखोर नूं सख्त ते सख्त सजा दी जावे। जज साहब, मैं होर तुहाडे की मंग सकदा? मेरी बेटी नाल इंसाफ कीता जावे। जज साहब, इंसाफ कीता जावे। नहीं जज साहब, नहीं। ये कहर ना टायो। जो कुछ कहना है कटहरे विच आके कहो। तुसी कौन? मेरा नाम जस्सी है। मैनू तो सिमर बेहोश करके बिल्ले विलैतिया ने सानू नहर च सिट दिता सी। मुता रब दी मेहर सी कि असीं दोनों बच गए। कानून दी नजर च शायद बिल्ला विलैतिया गुनहगार, पर मेरी नजर च सब तो वड्डे गुनाहगार ने तेरे मां बाप, जिन्हां ने ना चाहते अभी मेरा ब्याह बिल्ला विलैतिया नाल कीता। वो भी ये सोच के कि वो एनआरआई है। पता नहीं क्यों साडे समाज के लोग फॉरेन कमांड की मशीन समझ के अपनी धियां दा ब्याह एनआरआई नाल कर देते। वो ये भी नहीं सोचते कि उन्होंने खुश भी रखेंगे कि नहीं। जज साहब, तुहाडे कोल कलम है, कलम की ताकत। आज अजिही जजमेंट दो कि कदे भी कोई मां बाप अपनी धी की इच्छा के खिलाफ उहदा विआह ना करन, उहदा विआह ना करन। हाँ हाँ जज साहब, मैं गुनाहगार हूं, पर इंग्लैंड तो इंडिया में गुनाह करन नहीं सी आया। मैं तो अपनी 3 साल की बच्ची लई मां ते अपने लई चंगे जीवन साथी दी तलाश विच इत्थे बहुत ही आस लैके आया सी, पर इत्थे दे समाज, इत्थे दे माहौल विचों मैनू ओ जीवन साथी मिलिया जिसने सारी उम्र तक की पहले ही दिन मेरिया सदरां दा, मेरे अरमानां दा खून कर दिता। जज साहब, ये मेथों बर्दाश्त नहीं होया। असल विच हकीकत ये है जज साहब, इत्थे दे मुंडे कुड़ियां साडे नाल विआह करा के बाहर तो चले जाते हैं, पर जदों पक्के हो जाते हैं तो उत्थे डिवोर्स दे के फिर अपने आशिक मशूका नूं उत्थे बुला लेंदे आ। ते इन्हां दे दिल विच भी इहो ही इरादा सी, ये मैनूं पता लग गया सी ते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। जज साहब, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया, नहीं कर। सारे बयानों को मद्देनजर रख के हालांकि बिले विलायतिया का यह जुर्म साबित होता है, ये अदालत हालातों को मुख रखते हुए उसको बाइज्जत बरी करती है। जस्सी पुत्र, हजे तक इस अदालत को ऐसे कोई अख्तियार नहीं कि वह कोई ऐसी जजमेंट दे सके कि कोई भी माँ बाप अपनी धी का ब्याह उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकन। ये जजमेंट तो लोगों के दिलों विचों खुद निकलनी चाहिए है। लोगों को खुद आप सोचना चाहिए है कि साडे बच्चे किस तरह सुखी रह सकते हैं। बिले पुत्र, मेरी छोटी जी जिद करके तेनू बहुत बड़ी नमोशी का सामना करना पिया बेटा। दरअसल जस्सी ने तो मैनू साफ लफ्जां विच कह दिता सी कि ओए विआह नहीं करवाएगी, पर मैं अपनी बेजबान धी नू बाहर सैटल करन दे लालच विच जस्सी दा विआह तेरे नाल जबरदस्ती कर दिता। मैनू मजबूर बाप होने के नाते माफ करी बेटा। डैडी जी, तुसी मेरे को माफी मंग के मैनू क्यों शर्मिंदा करते हो? पुत्रा, हुण तां तुहाडे मैं डैडी लफ्ज कहण दा हकदार भी नहीं रहा, क्योंकि हुण तां ये लफ्ज बेमाने हो गए ने। डैडी जी, जे तुसी चाहो तां आपां ये रिश्ता हमेशा लई बरकरार रख सकते हैं। ओह किवें पुत्र? अपनी धी हरप्रीत दा हथ मेरे हथ विच दे के पुत्रा, तरस खा के मैनू एवें हीणा ना कर। नहीं डैडी जी, ये मैं दिलों कह रहा हाँ, मैं तुहाडे नालों अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। ये तुहाडा मेरे ते बहुत वड्डा एहसान होएगा। पुत्र, असीं तेरे ते की एहसान कर रहे हैं, सगों तू तां साडे ते बहुत वड्डा एहसान कर रहे हैं। हरप्रीत, इधर आ पुत्र। सिमर, एक मिनट पुत्र। सिमर पुत्र, गुनाहगार था मैं तेरा भी हां। मैनू नहीं सी पता कि तुसी दोवें एक दूजे नू इन्ना प्यार करदे हो। ना कदे जसी ने दस्या, हां वो विआह करन तो लगातार इनकार जरूर करदी सी। मैनू की पता सी कि ओदे दिल विच सिर्फ तू ही बसिया होया है। बेटा प्यार ता रब दी बहुत बड़ी नियामत है, जिन्हों असी रूढ़ीवादी मां बाप दो दिलों के विच रुकावट बनने की कोशिश करते रहते हैं, जो सानू नहीं करना चाहिए। सो बेटा मैनू माफ करी। जस्सी पुत्र, भैन जी अज तो बाद मेरी धी तुहाडे हवाले, इनू आशीर्वाद देके अपना लो। भाई साहब जस्सी तो साडी उदों ही हो गई सी जदों संगीत सीखण आउंदी सी सिमर कोले घरे साडे। पर एक गल है जी, जस्सी तुहाडे कोल साडी अमानत है। जदों तक सिमर दे पापा अमरीका तो वापस नहीं आ जांदे फिर आपां इन्हां दोनां दा विआह धूमधाम नाल करांगे। वहां इन्नी देर उम्मीद तो कैप्टन साहब दे घरे गंद टप के भी नहीं जाया जाना। गंद टपेगा तो तां जे कोई तैनू बुलाऊगा। कोई सच नहीं सी, एक फिल्म दी कहानी सी। हाँ साडे छोटे जे उपराले तो जे दुनिया भर दे पंजाबी शिक्षा ले लैन तो साडे लिए बड़ी खुशी दी गल होवेगी। सत श्री अकाल।